कैथल की एसपी आस्था मोदी ने सनातन धर्म मंदिर में चल रहे बाल उपवन और वृद्धाश्रम का दौरा किया। इस बाल उपवन में बेसहारा 35 बच्चे और वृद्ध आश्रम में लगभग 10 बुजुर्गों सहित 55 लोग स्टाफ सहित रहते हैं। एसपी आस्था मोदी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने मुझे यहां पर बुलाया था। सीडब्ल्यूसी के मेंबर इस बाल उपवन को चलाने में सहयोग करते हैं। एसपी ने कहा कि वह इसलिए यहां पर आई हैं कि अगर यहां पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी बच्चों या फिर बुजुर्गों को आ रही है तो उसे दूर किया जा सके। सीडब्ल्यूसी की मेंबर्स हैं, वो भी मेरे को अप्रोच किया था। हम लोग सीडब्ल्यूसी की मेंबर्स के साथ यहाँ पे बाल उपवन वगैरह के जो ये मैनेजमेंट है, इनके साथ हम लोग कोऑपरेशन में, कोऑर्डिनेशन में काफ़ी काम करते हैं। हमें कोई बच्चा मिलता है, कोई अगर इस तरह की स्थिति आती है, उसको रात में रखने में बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। तो हमें था कि हम यहाँ पे विज़िट करें, अगर इनको कोई दिक्कत हो, कोई मामला हो जिसमें हमसे सहयोग की ज़रूरत हो या कोई ऐसी बात हो जो हम आगे पहुँचा सके ताकि इनकी मदद हो सके। वहीं इस दौरान एसपी ने बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां बांटी। एसपी के दौरे से बच्चे और बुजुर्ग काफी खुश नजर आए। उन्होंने हमारे से बहुत कुछ पूछा जी कि यहाँ बच्चे कैसे रहते हैं, यहाँ में मन लगता है, हम बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं जी, सब कुछ यहाँ अच्छे से सब कुछ मिलता है जी हमें। एसपी ने बाल उपवन और वृद्धाश्रम का दौरा कर बच्चों और बुजुर्गों से उनका हाल जाना, तो वहीं बच्चे और बुजुर्ग भी एसपी के दौरे से खासे खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।